नमस्कार भाई, नमस्कार मेरे दोस्तों। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि आप चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पनीर कबाब और भी बहुत सारे लजीज खाने, स्वादिष्ट खाने बनाते हैं, अगर उसमें नमक ही नहीं हो तो उसका मज़ा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? तो इतने लजीज व्यंजन और उसमें 2 रुपये का नमक के बिना कैसा उसका मज़ा होगा, आप सोच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत दूर मुंबई के पालगढ़ एरिया, जो समुद्र के किनारे पड़ता है, वहाँ आया हूँ। और नमक की कैसे पैदावार की जाती है उसके बारे में मैं आपके पास वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा नमक की पैदावार कैसे की जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये रहा नमक का ढेर, ये नमक तैयार किया हुआ है। और इसको कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि ये सारा नमक की खेती की जा रही है और ये सब नमक की खेती की जा रही है और इसके लिए सबसे पहले जो बगल में समुद्र है, जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, पाइपलाइन के द्वारा पानी को लाया जाता है, समुद्री वाटर को लाया जाता है और इसको क्यारी बना करके इस पानी को स्टोर किया जाता है। इस पानी को स्टोर करने के बाद जब ये पानी धीरे धीरे सूखता है तो इसमें से नमक आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ये सूख करके नमक बनता है, लोग इसे नमक को किनारे करते जाते हैं और पानी धीरे धीरे सूखता जाता है। चलिए मैं वहाँ ले जाता हूँ आपको। ये रहा पानी और ये नमक सूख गया है। अब इसको धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। अब ये 1-2 दिन बाद इसको उठा करके एक जगह स्टोर कर देंगे। ये रहा पानी, ये जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे नमक इसमें से निकलता आता है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह यहाँ पे नमक की खेती की जाती है और इसको स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद में फिर इसको ट्रक के माध्यम से या किसी भी तरीका से दूसरे जगह, दूसरे प्लांट में या बड़ी बड़ी कंपनी वाले यहाँ से ख़रीद करके इस नमक को ले जाते हैं। और वहाँ फिर इसको ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करके जो ये मोटा मोटा दाना है, इस मोटे मोटे दाने को तोड़ा जाता है। ये जो मोटा मोटा दाना देख रहे हैं, इसको ग्राइंडिंग किया जाता है और ग्राइंडिंग करके इसको बारीक किया जाता है। बारीक करने के बाद में फिर इसमें आयोडीन मिलाया जाता है और फिर इसको ब्लेंडिंग किया जाता है। इसको ब्लेंडिंग करने के बाद में इसे क्वालिटी कंट्रोल QC में भेजा जाता है। वहाँ इसकी गुणवत्ता के बारे में, इसके अंदर जो आयोडीन डाला गया है वो प्रचुर मात्रा में है या नहीं है, इसकी टेस्ट होती है। उसमें से पास होने के बाद फिर उसे पैक करके मार्केट में छोड़ा जाता है, जो कि हम उस नमक को यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत दूर इसलिए लेके आया चूँकि नमक कैसे बनाया जाता है, हमारे दिल में भी इच्छा थी कि मैं देखूं कि 1-2 रुपये का बहुत सस्ता सामान, जो कि खाने में अगर ना डाले तो वो बेमज़ा हो जाता है, खाना का कोई स्वाद ही नहीं रहता है, कोई टेस्ट ही नहीं रहता है, तो हालांकि वो बनता कैसे है, इसके लिए हमारे दिल में इच्छा थी। तो मैं ये वीडियो बना करके आपके पास भी भेज रहा हूँ। हो सकता है आपके दिल में भी ये इच्छा हो कि नमक किस तरह बनाई जाती है इसके बारे में जानने की, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। ये सब जो धीरे धीरे ये हो जाता है, ये सबको इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा करके लोग इधर जमा कर देते हैं, जो कि जमा किया हुआ ढेर आपको दिखाई दे रहा है। ये सब जमा किया हुआ ढेर है। फिर ये रीप्रोसेसिंग के लिए कंपनी वाले यहाँ से ख़रीद करके ले जाएंगे ट्रक से और वहाँ रीप्रोसेसिंग करके भेजेंगे। तो मेरे दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी बातें होगी वो लिख करके पूछ सकते हैं। और मेरे दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का आइकॉन आएगा उस आइकॉन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आता रहेगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा, आदाब। फिर मैं आपके पास कुछ नई वीडियो, कुछ अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।